इत्तेहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। सबसे पहले सुर्खियों पर एक नज़र। बेलगाम शहर के नज़दीक मासमडी गांव में घोड़े की मौत के बाद जुलूस पर हुए एतराजात के मद्देनजर 15 लोगों पर मुकदमा दर्ज। गोकाक तहसीलदार प्रकाश होलबगोल ने की कार्रवाई। लॉकडाउन में बच्चों की पढ़ाई पर असर। पढ़ाई से दूर होते बच्चों को अब घर तक पहुंचाई जाएंगी किताबें। सेहत तालीम कर्नाटक का फैसला। वन नेशन वन राशन के तहत दूसरे रियासत या दूसरे गांव वालों को भी मिलेगा राशन। अगर राशन दुकानदार अनाज देने से इनकार करे तो होगी कार्रवाई। 1967 पर करे फरियाद। रेशन दुकानों में काटामारी की वारदातों में इजाफा। 10 किलो चावल की जगह दिया जा रहा है 7 किलो चावल। कार्रवाई की मांग। बेलगाम शहर में हर तरफ बैरिकेड्स। गैस सिलेंडर घर तक पहुंचने में आवाम को उठानी पड़ रही परेशानी। हर तरफ एक ही आवाज, कब खत्म होगा कोरोना और लॉकडाउन। भुखमरी के कगार पर गरीब आवाम का अक्सर तबका। कोरोना की मार पर बारिश की भी मार। आवाम की परेशानी में इजाफा। निचले इलाकों में पानी। अब सिविल अस्पताल के तहफ्फुज की जिम्मेदारी पुलिस महकमा पर। पुलिस इंस्पेक्टर जावेद मुशापुरी ने दी तमाम तहफ्फुज दस्ते को हिदायत। दवाइयों की कालाबाजारी को लेकर रियासती वजीर बसवराज बोम्मई ने कहा कि अगर दवाइयां और वैक्सीनेशन में कालाबाजारी हुई तो कानूनी कार्रवाई। ब्लैक फंगस के बढ़ते मामलों के मद्देनजर किम्स हुबली में दवाइयों की कमी। जगदीश शेट्टर ने कहा 100 से भी ज्यादा मरीज किम्स में जेरे इलाज। दवाइयों की कमी के चलते मुश्किलें और भी बढ़ी। रियासत में अब तक प्रोडक्शन नहीं। आज फिर मौतों के आंकड़ों में इजाफा। बेलगाम शहर में आज भी निजी अस्पतालों में मरीज को बेतहाशा रुपये लेने के मामले पेश आ रहे। महज कार्रवाई का इशारा, अब तक किसी पर कार्रवाई नहीं। जल्द करें कार्रवाई, आवाम का मुतालबा। कांग्रेस का एक सिद्धरामैया ने कहा कि तमाम कोविड के खर्चे के तफसीलात रियासत पेश करे। करोड़ों की इमदाद आखिर कहाँ जा रही है। हिंडलगा गांव में कोरोना मामले के मद्देनजर घर घर जाकर कोविड टेस्ट। आवाम की जान बचाने में येडियुरप्पा हुकूमत नाकाम। दवाइयां भी मरीजों को नहीं मिल रही। नाकारा हुकूमत के खिलाफ जन आंदोलन, कहा डीके शिवकुमार ने। बीजापुर के मंदिर में फिर देखी गई भीड़। बवलादी में भविष्यवाणी सुनने के लिए फिर से कोरोना को दावत। क्या हुकूमत करेगी कार्रवाई, आवाम का सवाल। दो दिन के सख्त लॉकडाउन के बाद बेलगाम शहर के बाजारों में फिर से देखी गई भीड़। ट्रैफिक जाम। जुलाई में होगी पीयूष इम्तिहान, कहा वजीर तालीम सुरेश कुमार ने। कोरोना भगाने के लिए गलत रस्म रिवाजों में इजाफा। शहर में देखा जा रहा है कि जगह जगह काफूर और तुलसी के पत्ते जलाए जा रहे। अब अहम मौजू पर एक नजर। कहते हैं जब वक्त बुरा आता है तो परछाई भी अपना साथ छोड़ देती है। कुछ इसी तरह का मामला बेचारे प्रधानमंत्री मोदी का हुआ है। जिस गोदी मीडिया ने इन्हें दुनिया का ताकतवर शख्स बनाने की कोशिश की, आज हर लिहाज से इनकी तस्वीर को दागदार बना दी गई है। खुद भी जलील ख्वार होते देखे जा रहे हैं। और ताज्जुब की बात यह है कि खुद गोदी मीडिया ही अब मोदी के खिलाफ होती दिखाई दे रही है। मोदी जी, आप में इतनी ताकत कहाँ से आई, इतनी एनर्जी कहाँ से लेते हैं? या फिर आम चूस कर खाते हैं या काट कर खाते हैं? जैसे फिजूल सवाल करवा हुआ लूटने वाले चैनल के दलाल एंकर। जैसे ही मोदी की साख गिरती देखा, आने वाले दिनों को इन्होंने फांप लिया। वैसे भी गिरगुट की तरह रंग बदल कर प्रधानमंत्री के आंख से गिरने वाले आंसुओं पर भी मजाक बनाने में लगे हुए यह गोदी मीडिया। जब 2014 में प्रधानमंत्री मोदी ने बेताज बादशाह के तौर पर कुर्सी संभाली थी तो मोदी विरोध में बोलने वाला गोया देशद्रोही बनता जा रहा था। तरह तरह के लिबास पहनकर मोदी ने भी अपनी बहुरूपी की इमेज को और बुलंदी पर ले जाने की कोशिश की। ट्रंप के बराबर की इमेज इसी गोदी मीडिया ने बनाई थी। पर जैसे जैसे मोदी दौर का जवाल शुरू हो गया, खासकर इस कोरोना दौर में, और इस चीज को जब गोदी मीडिया ने भापा तो गोदी मीडिया के एंकरों ने भी मोदी हुकूमत को कटघरे में खड़ा करना शुरू किया। वैसे भी दुकान में वही माल चलता है जिसकी चलती होती है। अंजना ओम कशम, सुधीर चौधरी, अमीश देवगन, राहुल कंवल, रूबिका लियाकत, शोभना यादव, चित्रा त्रिपाठी, दीपक चौरसिया, यहाँ तक के चाटुकारिता में अव्वल नंबर पर बैठा अर्णव गोस्वामी भी अब मोदी हुकूमत को आड़े हाथ ले रहा है। एक तरह से यह लोकतंत्र के चौथे सुतून की जीत ही कह सकते हैं। और खासकर जिन्होंने बेबाकी के साथ वक्त के तानाशाह के खिलाफ आवाजें बुलंद की, जिसमें खासकर रविश कुमार, पुण्य प्रसून वाजपेयी, अभिसार शर्मा, विनोद द्वार, राजदीप सरदेसाई, बरखा दत्त, जिन्हें धमकियां दी गई, यहां तक कि इनके घर वालों को तक ट्रोल किया गया,
कईयों पर मुकदमे दायर किए गए। जी टीवी, एबीपी, आज तक जैसे बड़े चैनलों से इसलिए ही नहीं निकाला गया क्योंकि मोदी हुकूमत के खिलाफ आवाज उठा रहे थे, पर इन्होंने हार नहीं मानी। यह इसलिए भी काबिले तवज्जो है क्योंकि ऐसे वक्त में महज बहादुर और सच्चे पत्रकार ही टिक पाते हैं। जब हुकूमत इन पर चारों तरफ से शिकंजा कसने लगी थी, तहलका के तरुण तेजपाल अभी भी भरी हुए हैं, इसी तरह एनडीटीवी के प्रणव रॉय पर भी इसी तरह से दबाव बनाने के लिए मुकदमे दायर किए गए थे, पर कहते हैं सच्चाई छिप नहीं सकती, लिहाजा वक्त का पहिया घूमने लगा और कोरोना ने मोदी की नौटंकी की पोल खोल ही दी। लिहाजा आज सभी चाटुकार फिर से पत्रकारिता की तरफ पलट रहे हैं। कभी कभी इनकी इंतहाई चापलूसी पर सवाल भी उठते थे, आखिर कोई इतना बेगरत कैसे हो सकता है। अगर पिछले कई प्रोग्राम्स जब इन पर मोदी की भक्ति का नशा छाया हुआ था, तब देखने से इन्हें पत्रकार कहते हुए भी शर्म आती। तो हर मामले को कैसे हिंदू मुस्लिम करना, हर मौजू को मजहबी तशद्दुद पर किस तरह ले जाना, आखिर इतनी बेगैरती के साथ अपने घर वालों से कैसे आंख मिलाते होंगे ये चाटुकार पत्रकार जो सुबह शाम माशरे में जहर घोलकर घर लौटते हैं। जलती बस्तियां, बेवा औरतें, यतीम बच्चों की चीखें महज इन्हीं नफरती एंकरों की वजह से इन फिजाओं में गूंज रही थी। आखिर कैसे इत्मीनान से ये लोग सो जाते होंगे। हजारों घरों को आग में झोंक कर राख में तब्दील होने में अहम किरदार इन्हीं जहरीले एंकरों का तो हुआ करता था। खैर, लिहाजा चारों तरफ से मोदी हुकूमत पर हमले, यहां तक कि विदेश में भी मोदी हुकूमत के साथ गोदी मीडिया की बदनामी का एहसास शायद ने अपने मुस्तकबिल को लेकर बेचैन किया होगा, जिससे यह अपना रवैया तब्दील करने पर मजबूर हो चुके हैं। वैसे भी बंगाल चुनाव के बाद गोदी मीडिया को अपना रुख तब्दील करना जरूरी हो गया। आने वाले दिनों में मोदी हुकूमत का अख्तदार से उतरना शायद इन्होंने भाप लिया, तभी तो आजकल दिल खोल के मोदी सरकार के संबित पात्रा, गौरव भाटिया, जफर इस्लाम और भी दिगर स्पोक्स पर्सन को आड़े हाथ लिया जा रहा है। अपने आप को तेज तर्रार समझने वाले गोबर पात्रा का भी चेहरा देखना लायक होता जा रहा है। अब तो भाजपा के लीडर मुंह छुपाते नजर आ रहे हैं और भक्तों की तो बात ही मत पूछो। जब इनके लीडर को ही मुंह छुपाने के लिए जगह नहीं मिल रही, अब वह भक्त की तो औकात ही क्या है। खैर, तस्वीर बदल चुकी है। कोरोना महामारी में मोदी की नाकामी और मगरमच्छ के आंसुओं ने और भी तस्वीर को दागदार कर दिया। यहां तक कि वॉशिंगटन पोस्ट ने मोदी का मजाक उड़ाया, कहने का मतलब जब बुरा वक्त आता है तो कोई नजदीक नहीं आता, और शायद यही हाल मोदी और मोदी भक्तों का हो रहा है, और यही गोदी मीडिया की यूटर्न ने साबित किया है। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।